नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी का एक इशू चल रहा था, जो भी कैंडिडेट्स जिनकी एज अभी लास्ट चल रही है, मान लो CHSL के लिए 27 के करीब जा चुकी है, या MTS के लिए अभी इंक्रीज़ कर दी गई एज, वो भी 27 के करीब जा चुकी है, या CGL की आपकी 30 के ईयर के अराउंड जा चुकी है, या GD के लिए आपकी 25 के अराउंड जा चुकी है। तो सभी के लिए आपका एक इशू था कि जो एज रिकॉग्नाइज करने की डेट होगी, क्रूशल डेट, वो क्या होगी। इस इशू से वो कैंडिडेट वाकिफ़ होंगे जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, या जो क्रॉस करने वाले हैं अपनी एज को गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए, या स्पेशली कम कहें हम SSC के लिए। तो मेनली इशू रहेगा जो आपके CGL 2020 का एग्ज़ाम होगा, CHSL 2020 का एग्ज़ाम, या MTS 2020 का एग्ज़ाम है, जो आने वाले अभी एग्ज़ाम्स हैं। इस इशू के रिगार्डिंग काफ़ी कैंडिडेट को पता है, काफ़ी को नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है, पहले तो उनके लिए हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर आया, उसमें जो आपके नए एग्जाम्स हैं उनकी डेट्स दी हुई थी कि आपके फॉर्म कब कब भरवाए जाएंगे। कुछ एग्जाम्स के आपके ऑलरेडी भरवाए जा चुके हैं, तो जिनके बचे थे उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके JEE का एग्ज़ाम, JEE 2020 का एग्ज़ाम था, उसकी नोटिफिकेशन आपकी आने वाली थी 1 अक्टूबर 2020 को, वो आ चुकी है, जिसके एग्ज़ाम होने वाले थे 22 मार्च 2021 से। फिर आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड CND, जिसकी नोटिफिकेशन आज आई है, 10 अक्टूबर को आने वाले थे, जो कि आज आ गई है, जिसके एग्ज़ाम होने वाले हैं 29 मार्च 2021 से। और फिर आपका CHSL 2020, जिसकी नोटिफिकेशन आपकी आएगी अगले मंथ 6 नवंबर 2020 को। फिर आपका CGL, जिसकी नोटिफिकेशन आपकी आएगी दिसंबर में। तो मेनली सारे यूट्यूब चैनल फोकस कर रहे थे CGL पे। इसमें इशू क्या होगा कि जो आपके CGL 2020 की नोटिफिकेशन आएगी, उसमें जो आपकी क्रूशल डेट रहेगी एज रिकॉग्नाइज की, सभी को ये डरता था कि कहीं ये एज ना जाए 2021 में, यानी कि अगर 2020 में आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं एग्ज़ाम, और आपका 2021 के मई में जून में CGL का Tier 1, तो Tier 2 जो होगा वो आपका होगा नियर अबाउट सेकेंड फेज में, अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर के अराउंड होगा। तो जो आपकी क्रूशल डेट जाती है वो जाती है आपकी 1 अगस्त 2021। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इस एज पे जिस कैंडिडेट की एज 30 है वो तो एलिजिबल है, अगर इससे पहले किसी की 30 हो चुकी है वो एलिजिबल नहीं है। मान लो अगर ये एज होती है आपकी 1/1/2021, तो इसमें वो कैंडिडेट भी एलिजिबल होते जिनकी एज जनवरी से लेके अगस्त 2021 के बीच में 30 कंप्लीट हो रही थी। लेकिन अगर आपकी एज क्रूशल डेट होती है 1 अगस्त 2021, तो वो कैंडिडेट जिनकी एज अगस्त से जनवरी के बीच में 30 हो चुकी है, तो वो ऑलरेडी इसके लिए इनएलिजिबल हो जाते। स्पेशली यू आर कैंडिडेट्स, या जो भी OBC या SC ST कैंडिडेट है, वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अपनी बात कर सकते हैं। जिनकी एज 33 है या 35 है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, वो भी सेम बात मानिए अपने लिए। तो अभी क्या है, हम सभी कह रहे थे, यूट्यूबर भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि तो आपकी जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए, एज रिकॉग्नाइजेशन डेट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 1 अगस्त 2020, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है CGL 2020 का, आपका पोस्टपोन हो रहा है डिफरेंट रीजंस की वजह से, COVID-19 की वजह से भी। आपके जो पिछले एग्ज़ाम्स थे वो ऑलरेडी पोस्टपोन थे, उनमें भी सेम इशू था, आपका जो एक एज रिकॉग्नाइजेशन डेट का था वो सेम इशू था। अभी जिसका एग्ज़ाम, अगर ये एग्ज़ाम आपका होता और आपकी एज रिकॉग्नाइज डेट 1 अगस्त 2020 होती, तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल होते जिनकी एज हो रही है सितंबर 2020 में पूरी 30, या अक्टूबर में हो रही है, या आपकी दिसंबर के अराउंड हो रही है, तो आपका पूरा 1 साल वेस्ट हो गया उन कैंडिडेट्स का। अगर उनकी इस बीच में कहीं भी 30 साल पूरी हो रही है अगस्त 2020 से अगस्त 2021 के बीच में, तो ऑलरेडी इससे बाहर हो जाएंगे। देखिए, आप मानिए नए कैंडिडेट्स होंगे, उनको तो इससे फ़ायदा मिलेगा क्योंकि उनकी एज पहले ही हो रही है, ठीक है, उनको पहले ही एलिजिबल माना जा रहा है। लेकिन नए कैंडिडेट्स के पास और भी मौके होंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लाइफ में, उनके पास 7-8 साल आराम से हैं एग्ज़ाम्स देने के, सिलेक्शन लेने के, लेकिन किसी किसी के लिए ये चांस लास्ट हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो अभी एक चीज़ और दिखाते हैं मैं आपको। जो आपका CHSL का एग्ज़ाम का एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसकी बात हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी, जो इस रिगार्डिंग थी आपकी, इस इश्यू रिगार्डिंग।
इसमें देखिए आप जो CHSL 2015 में आपकी एज रेकनिंग डेट थी, एज लिमिट की, वो थी आपकी 1 अगस्त 2015। 2015 का आपका एग्ज़ाम है, 2015 के अगस्त में आपकी एज डिसाइड हो रही है कि आपको इस डेट पे आपकी एज कितनी होनी चाहिए, यानी कि 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। एक्सप्लेन भी किया कि आपको 2 अगस्त 1988 से पहले नहीं होना चाहिए आपका जन्म, और 1 अगस्त 1997 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बात आती है CHSL 2016 में। 2016 में आपकी जो डेट थी वो 1 जनवरी 2017 हो गई, मतलब 6 महीने आगे हो गई, वो पोस्टपोन हुआ एग्ज़ाम, आपकी जो एज हो गई वो 1 महीने आगे, 6 महीने आगे सरक गई, नॉर्मली 6 महीने आगे सरक गई। तो इससे क्या हुआ कि जिन कैंडिडेट्स की एज पूरी हो रही थी 1 अगस्त 2016 से, 1 अगस्त 2016 से 1 जनवरी 2017 के बीच में 27 पूरी, तो वो इसके लिए इनएलिजिबल हो गए। उससे अगला साल क्या होता है कि इसे 6 महीने और आगे सरका दिया जाता है, इसे कर दिया जाता है 1 अगस्त 2018, जबकि ये होनी चाहिए थी 1 अगस्त 2017। क्योंकि जो पोस्टपोन हो रहे हैं एग्ज़ाम्स वो कैंडिडेट की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो SSC के कारणों की वजह से हो रहे हैं। तो जो सफ़र कर रहे हो कैंडिडेट को सफ़र नहीं करना चाहिए, एज जो उनको रखनी चाहिए वो उसी ईयर की रखनी चाहिए जिसकी वो वैकेंसी है, एटलीस्ट अगस्त के रखें, जनवरी की ना भी रखें। तो 1 अगस्त 2018 को ये चेंज हुई डेट। 2018 CHSL में क्या हुआ, फिर से वही 1 ईयर आगे 2019 की डेट, लेकिन CHSL 2019 में उन्होंने 6 महीने वापस खींच लिए। 6 महीने फिर भी कैंडिडेट्स के बर्बाद जा रहे थे, 2019 की वैकेंसी है और 1 जनवरी 2020 को आपका ये टाइम पूरा हो रहा है एज रिकॉग्निंग डेट या डेट का। ऐसा क्यों होता है आप सभी को वैसे तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, काफ़ी कैंडिडेट को पता होता है लेकिन जिनको नहीं पता है, तो DOPT का एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग जो क्रूशियल डेट रहेगी फॉर डिटर्मिनिंग एज लिमिट्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन पार्ट बाई UPSC SSC, UPSC या SSC के जो भी एग्जाम जो पार्ट्स में होते हैं, मतलब Tier 1 Tier 2, अभी बेसिकली सारे एग्जाम आपके 2 टायर में होते हैं, चाहे वो आपका MTS हो सबसे छोटा एग्जाम, उसमें आपके 2 एग्जाम हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड है, पेपर 2 आपका ये डिस्क्रिप्टिव है। तो सारे एग्जाम्स में अभी नॉर्मली 2 टायर होते हैं, तो क्या होगा आपकी जो क्रूशियल डेट रहेगी ना वो रहेगी, मान लो अभी आपका फॉर्म भरवाए जा रहे हैं MTS के दिसंबर में, सपोज आपका पेपर 1 होगा मार्च में, मार्च में पेपर 1 हुआ लेकिन पेपर 2 हुआ आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ जुलाई में, तो जो उसकी क्रूशियल डेट रहेगी वो आपकी सेकंड फेज की रहेगी। जिस भी फेज में आपका फर्स्ट फेज में आपका अगर आपके ईयर के में आपका पेपर 2 रहता है तो आपकी क्रूशियल डेट रहेगी 1 जनवरी, अगर आपका सेकंड फेज में रहता है तो आपकी क्रूशियल डेट रहेगी 1 अगस्त। ये इन्होंने इसमें दिया है 1 अगस्त और 1 जनवरी वाला इशू इन्होंने दिया है। अगर आपका पेपर 2 है, जो कोई भी एग्ज़ाम अगर 2 फेज में हो रहा है, 2 पार्ट में हो रहा है, तो जो उसका पार्ट 2 है अगर वो फर्स्ट फेज में आ रहा है किसी भी साल के, तो उसकी क्रूशल डेट रहेगी 1 जनवरी, अगर सेकेंड फेज में आ रहा है तो उसकी क्रूशल डेट रहेगी 1 अगस्त। ये रूल है DOPT का, जो कि आपका 1988 से चलता आ रहा है, ये देखिए जुलाई 1988 का ये रूल है, ये बहुत ही पुराना रूल है जिसको अभी चेंज करने की हम मानते थोड़ी सी ज़रूरत है, मॉडिफिकेशन की थोड़ी ज़रूरत है कि जिस ईयर का एग्ज़ाम हो आपको उसी ईयर में आपकी क्रूशल डेट होनी चाहिए। तो अभी क्या थोड़ी राहत की खबर आ रही है, हमने एक ट्विटर कैंपेन किया हम सब ने मिल के, डिफरेंट यूट्यूब चैनल ने हमारी मदद की और जो बड़े यूट्यूब चैनल हैं, हम छोटे हैं अभी, आपकी मदद से हम भी एक टाइम पे ग्रो करेंगे, हम सब ग्रो करेंगे मिल के और हम सभी एक दूसरे की मदद करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है हमें। तो एक ट्विटर कैंपेन किया कि SSC 2020 एज रेकनिंग डेट, मतलब जो भी 2020 के एग्ज़ाम्स हैं उनकी एज रेकनिंग डेट डिक्लेयर की जाए, क्लैरिफाई की जाए। मेन इशू क्या था कि आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 2020 के हिसाब से ही, 2020 की वैकेंसी हैं तो 2020 के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट जिनकी एज पूरी होने वाली है उनको कोई सफ़र ना करना पड़े, एटलीस्ट उनके पास उनका लास्ट चांस हो, क्या पता उनकी तैयारी अभी पीक पे हो उनका सिलेक्शन हो जाए। जो कैंडिडेट्स नए हैं जो इनकी एज अभी स्टार्ट हो रही है उनके पास और भी मौके होंगे। तो 19 सितंबर को आपका ये कैंपेन कराया गया 11 बजे सुबह, इसका असर भी थोड़ा बहुत देखने को मिला है, हालांकि आप सबकी ध्यान नहीं गया होगा उस बात पे, तो भी एक नोटिस आया है आज स्टेनोग्राफर का, और आपका 1 तारीख को आया था अक्टूबर को,
आपका जेई का, दोनों को ही देखते हैं अभी। जेई का जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो आया था आपका 1 अक्टूबर 2020 को, उसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं 30 अक्टूबर तक। जो उसमें एज लिमिट की क्रूशियल डेट है वो उन आपकी 1/1/2021, क्योंकि आपका जो इसका फर्स्ट पेपर हो रहा है वो हो रहा है आपका 22 मार्च से 21 से लेके 25 मार्च 2021 तक। इसका पेपर टू भी शायद फर्स्ट हाफ फेज में ही हो जाएगा, तभी उन्होंने ये डेट दी है 1 जनवरी, जैसा कि हमने आपको बताया DOPT के रूल के अकॉर्डिंग, कि जिस फेज में आपका सेकेंड पेपर होगा उसकी स्टार्टिंग डेट ही आपकी क्रूशियल डेट मानी जाएगी। फर्स्ट फेज में तो 1 जनवरी, सेकेंड फेज में तो आपकी 1 अगस्त। तो यहाँ आपकी जो डेट मानी गई है वो मानी गई है आपकी 1 जनवरी 2021। यहाँ तक तो SSC जैसा करता आ रहा था अपने हिसाब से वैसा कर रहा था, हमें नहीं लगा कि आपका कोई भी फ़ायदा होने वाला है या कोई भी उस कैंपेन का असर पड़ा है। लेकिन फिर आपका आई आज नोटिफिकेशन, ग्रेड CND एग्जामिनेशन 2020 स्टेनोग्राफर। इसमें जो आपकी एज लिमिट है ना, ये 18 से 30 हो या आपकी 18 से 27 की बात हो, तो जो उसकी क्रूशल डेट है वो है आपकी 1 अगस्त 2020, जबकि आपकी एग्ज़ाम डेट भी सेम है पिछले एग्ज़ाम की तरह ही, मतलब जो आपका JEE का एग्ज़ाम है उस हिसाब से आपकी इसकी डेट भी है। JEE की आपके मार्च 21-22 के अराउंड है, तो इसके मार्च 29 के अराउंड है, मार्च के एंड में ही दोनों के एग्ज़ाम हैं। और आपके अगर फेज भी देखा जाए, इन केसेस में भी दो ही पार्ट होते हैं आपका, फर्स्ट पार्ट कंप्यूटर बेस्ड पेपर और सेकंड आपका टाइपिंग टेस्ट, मतलब दो पार्ट हैं इसमें भी। टाइपिंग टेस्ट जाहिर सी बात इसका बाद में ही होने वाला है, तो अगर इसके फर्स्ट फेज में भी हो जाते हैं दोनों एग्ज़ाम, तो अभी इसकी डेट होनी चाहिए थी 1 जनवरी 2021 एज पर रूल ऑफ SSC या DOPT। लेकिन अभी आपकी अपडेट किया गई है 1 अगस्त 2020, तो इससे कुछ आशा नज़र आ रही है, कुछ होप लग रही है कि जो आपके फ्यूचर एग्ज़ाम है आपका CGL हुआ, MTS हुआ, CHSL हुआ, उनकी डेट आपकी हो सकती है 1 अगस्त 2020, क्रूशियल डेट ऑफ एज रिकनिंग। मे बी आपकी 1 जनवरी 2021 भी हो जाए, लेकिन हम नहीं मानते, कि हमें लग नहीं रहा कि अभी, और हम आशा भी करते हैं कि उसकी एज आपकी एज रिकनिंग डेट आपकी 1 अगस्त 2021 ना हो, जिससे कि बाकी कैंडिडेट सफ़र ना करें। बड़े यूट्यूब चैनल अक्सर CGL वालों की बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ सभी की बात कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट बराबर हैं, चाहे वो किसी फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे GD की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे MTS की, CGL या CHSL किसी भी लेवल में प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे कैंडिडेट्स की मेहनत बराबर है, सभी अपना टाइम दे रहे हैं। तो भी आशा है कि आपकी ये जो डेट है CGL के लिए, CHSL MTS के लिए आपकी डेट हो सकती है 1 अगस्त 2020, क्योंकि देखिए स्टेनोग्राफर भी और आपका जूनियर इंजीनियर भी दोनों की ऑलमोस्ट सेम नोटिफिकेशन आई, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे आपके एग्ज़ाम है, इसके 22 मार्च से हैं और इसके आपके 29 मार्च से हैं, मतलब एक हफ्ते का मुश्किल से डिफरेंस है। नोटिफिकेशन भी एक हफ्ते के अराउंड में आई है, 10 दिन के अंदर में आई है, तो आपकी जो एज लिमिट है, मे भी ऐसा हो सकता है यहाँ पे उन्होंने गलती कर दी हो JEE के एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में, या हो सकता है SSC ने ग्रेड CND में भी गलती कर दी हो, क्या पता SSC भी कोई फ़र्क ना पड़ा हो। तो एक एज तो आपकी रेक्टिफाई ज़रूर होनी है, और हम आशा करते कि आपकी JEE की रेक्टिफाई हो जाए और इसको SSC करते 1 अगस्त 2020, क्योंकि यही रूल होना चाहिए, जिस ईयर की नोटिफिकेशन है उस ईयर की आपकी एज रहनी चाहिए, ताकि कैंडिडेट को सफ़र ना करना पड़े, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनकी मेहनत अभी पीक पे होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ थोड़ी बहुत मेहनत ज़्यादा ही होती है, थोड़ा बहुत ज्ञान ज़्यादा ही बढ़ता है। तो हम आशा करते हैं कि आपकी जो ये डेट होगी वो 1 अगस्त 2020 होगी। जो इन्फॉर्मेशन हमने देखी है, इस इन्फॉर्मेशन पे वैसे किसी की नज़र गई नहीं है, क्योंकि अगर गई होती तो किसी ना किसी यूट्यूब चैनल पे रिगार्डिंग वीडियो आ जाती कि भाई स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे आपकी एज रिकमेंडिंग डेट कम की गई है, वापस से ठीक की गई है जो एक्चुअल में होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, हमने पूरी कोशिश की है अपनी कि आपको ये वीडियो समझ में आए, आपको पूरा इशू समझ में आए, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी, बहुत हिम्मत मिलेगी आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले टाइम पे अगर आपसे रिलेटेड कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो या कोई भी एजुकेशन वीडियो हम लाएं आपके लिए,
तो आप मिस ना कर पाएँ, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है किसी भी दूसरी जॉब के लिए, एसएससी के रिगार्डिंग, बैंकिंग के रिगार्डिंग, आरआरबी के रिगार्डिंग, किसी स्टेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या किसी भी एजुकेशन टॉपिक के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट हैं, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या आपके किसी अदर एग्ज़ाम के लिए, तो आप बेफिक्र होकर फ्रीली हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम डाउट ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमसे ट्विटर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमसे इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इन सबको फॉलो, सब्सक्राइब करने का लिंक, ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं हम आपके इस इशू के बारे में जो डाउट्स थे कुछ क्लियर कर पाए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, परिवार वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।